नमस्कार श्रोताओं, मैं वैशाली बरसैया एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से हाजिर हूँ। इस पॉडकास्ट के कंटेंट राइटर हैं गिरीश बिल्लोरे मुकुल। इस पॉडकास्ट में टेक्निकल सपोर्ट के लिए श्री सिद्धार्थ गौतम का हम धन्यवाद करते हैं। अब ये भी हमारी टीम के सदस्य हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, संगीत दिवस स्पेशल में हम आपकी मुलाकात कराएंगे संगीत गुरु डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे जी से। साथ ही भारतीय प्रजातंत्र विषय पर पॉडकास्ट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जो PSC, UPSC तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आज का विषय 1990 के पहले तक कंफर्ट जोन में रहने वाले मध्यम वर्ग की ऐसी कहानी है जो वर्ष 2024 की स्थिति को प्रदर्शित करती है। मध्यम वर्गीय परिवार में सभी लोगों के भी अपने अपने सपने होते थे। सपने अलग अलग होते हैं, परंतु हर मध्यम वर्गीय परिवार के हर सदस्य को एक ही सपना देखना पड़ता था। जो सपना घर का मुखिया देखा था, वही सबको देखना जरूरी था। अलग अलग सपने देखना वैसे तो वर्जित नहीं, परंतु पारिवारिक ताना बाना ही ऐसा है। परिवार का हर सदस्य अपने अपने सपने सामूहिक रूप से सुनिश्चित किए गए सपनों के आगे सेकेंडरी होते हैं, अर्थात आपका इंडिविजुअल ड्रीम कुछ नहीं। अगर हमें अपने सपने को प्रस्तुत करना होता है तो उसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह प्रस्तुत करना पड़ता है। हमें अपने सपने के पीछे के मेरिट्स एवं डीमेरिट्स बताने होते थे। समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो आपका सपना कैच आउट कर लिया जाता था। खुद का सपना ना देखो वाली वर्जना और अपने सपनों के बीच हम कोशिश तो ज़रूर करते थे। कोशिश भी नहीं करते तो क्या करते, बताओ भला। मेरा एक मित्र था, चलिए मान लीजिए वह मैं ही था, जिसे विज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं था, गणित से घृणा, रसायन शास्त्र पर गुस्सा, भौतिक शास्त्र तो उसके लिए कूड़ा करकट के समान था, बायोलॉजी इसलिए गंदी लगती थी कि उसमें मेंढक को काटा जाता था, संगीत कला, चित्रकला, इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जिसे सिविक्स कहा जाता था और हिंदी प्रिय थे। इसमें कोई शक नहीं कि पसंद अपेक्षाकृत इतनी प्रोडक्टिव नहीं थी जितना प्रोडक्टिव साइंस रहा है। घसीट घसीट के हायर सेकेंडरी पास करना जीवन का नया लक्ष्य था। सोचा था कि जैसे तैसे मैट्रिक पास होकर कमज़ोर विद्यार्थी वाले हैशटैग से मुक्ति मिल सकती है। मैट्रिक पास करने के बाद जब पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा करने का विचार किया तो प्रिंसिपल साहब ने दो टूक कहे, अपनी फिजिकल कंडीशन को तो देखो, बड़े आए इंजीनियरिंग पढ़ने वाले। बात कड़वी थी, दुखदाई थी, परंतु सत्य थी। अंधेरा सा छा गया था, समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे। BSc करने का जोखिम उठाना उसके लिए संभव नहीं था। साइंस कॉलेज में एडमिशन तो हो जाता, पर साइंस कॉलेज जाने के लिए घरेलू अर्थशास्त्र अनुकूल न था। जीवन एक प्रयोगशाला बन गया था। ये वो दौर था जब भारत का युवा चाहे कुछ भी सोच ले, हर सपना टूटने में देर न लगती। भारत में उस दौर में पढ़ाई अंतिम लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, इसके अलावा शायद कुछ और न सोच पाता था भारत का मध्यम वर्गीय युवा। विवाह योग्य बेटियों के माँ बाप नौकरीशुदा युवकों के बारे में जब जानकारी हासिल करते थे तो पूछा करते थे, सरकारी नौकरी है, अच्छी बात है, ऊपरी इनकम होती है या नहीं? वकील, किराना दुकान चलाने वाले, स्कूल मास्टर की हैसियत, रेवेन्यू क्लर्क, पटवारी से तब भी बहुत नीचे स्तर पर मानी जाती थी। वैसे आज भी वही स्थिति है। अफसर केवल कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह होते हैं, बाकी सब कहने के अफसर हैं। खैर छोड़िए, अचानक क्या हुआ 1990 के बाद भारतीय मध्यम वर्गीय युवकों में गजब का साहस आ गया। गुप्ता जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, सोनी जी वगैरह सभी जी की संतानें मल्टीनेशनल में नौकरी करने लगी। अचानक जैसे चमत्कार सा हो गया था। मध्यम वर्ग का सामाजिक नजरिया विश्व व्यापार संगठन संधि पत्र पर भारत के हस्ताक्षर के बाद एकदम बदल सा गया।
भारत का आर्थिक विकास 1990 के पहले वाले दौर में मध्य वर्ग के लिए मृग मरीचिका थी। गौरतलब है कि सरकारी नौकरियां तब भी कम थी, आज भी कम है। वैसे भी सरकारी नौकरियों के प्रति मध्य वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं ने नजरिया ही बदल दिया। सरकारी नौकरी के मामले में पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो भी हों, मध्यवर्गीय युवाओं ने 1990 के बाद अचानक अपने आप को बदल दिया है। विदेश यात्राएं अब सामान्य घटना है। सन 2014 के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मेडिसिन स्कायर के पब्लिक भाषण में प्रधानमंत्री ने भारतीय युवाओं में जोश भर दिया। मध्य वर्ग को समझ में आ गया कि सॉफ्ट पावर उनके हाथ में है। भारत के युवाओं को ह्यूमन रिसोर्स के रूप में पहचान मिली। मुंबई, दिल्ली के बाद अब जबलपुर, इंदौर, लखनऊ, ग्वालियर, चंडीगढ़, चेन्नई यानी पैन इंडिया का यूथ अपनी परंपराओं को तोड़कर विश्व के हर हिस्से में जा पहुंचा। भारत का सॉफ्ट पावर विश्व की जरूरत है। भारत की युवा शक्ति दक्षिण एशिया, अफ्रीका के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक प्रोडक्टिव और विश्वसनीय बन चुके हैं। यूरोप मल्टीनेशनल कंपनियां भारतीयों को घास न डालती थी, अब 15 बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं, जिसमें अधिकांश मध्यम वर्ग के परिवारों से हैं। ये चैनल भारत की युवा शक्ति को सैल्यूट करता है, जिन्होंने भारत के मध्यम वर्ग के सॉफ्ट पावर की उपयोगिता विश्व स्तर पर साबित की है। मित्रों, वर्तमान में तीसरी बार निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य वर्ग के सॉफ्ट पावर पर अच्छे विचार रखे हैं। देखना है कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।